हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 19 जून। हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ अखबार के कुछ न्यूज़, कुछ आर्टिकल्स और अपने हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग पहुंच गए? रिंकी राय, प्रीति मिश्रा, रेशमा, अनुराधा, मुकुल प्रताप, साक्षी पांडे, उदय, पूनम, अर्पिता, आकाश ठाकुर, सोनाली, रितेश, ईबा, प्रीत, आकाश, ठीक है रितेश, बढ़िया। चलिए, उम्मीद है कि जो लोग डेली सो रहे होते हैं आज जाग गए होंगे और आज क्लास में आएंगे। जो आज की पहली न्यूज़ है, तारीख 29 जून, पहली न्यूज़ यह है कि डे आफ्टर क्लैश इंडिया चाइना फ्रीज 10 सोल्जर्स। जो चाइना है उसने हमारे 10 जो जवान हैं उनको उन्होंने छोड़ा है। ये हमारी न्यूज़ है पहली। यहाँ पे इंडिया कोस्ट टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल। यहाँ पे जो यूएनएससी है इसमें हमारी विजय हुई है। हमको यहाँ पे जो नॉन परमानेंट सीट है वो मिली है यूएनएससी में, जिसके मकदार थे। यहाँ पे पीएलए प्लान अटैक फॉर एटलीस्ट 2 डेज। यहाँ पे जो अटैक था वो चाइना के आर्मी के द्वारा कम से कम 2 दिनों तक प्लान किया गया था, ये कहना है हमारे जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनका। PLA meticulously planned the attack on Indian troops at Galawan in Ladakh for at least 2 days. तो यहाँ पे क्या किया कि चाइना ने जो छोटे छोटे जो रिवुलेट्स हैं उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ताकि जो पानी है वो काफ़ी तेज धार से बह सके। When Indian army personnel appeared at the disposed site, फिर जो स्मॉल, जैसे कि जब तेज धारा यहाँ पर बही तो जो हमारे जवान उन्होंने बैलेंस खो दिया, फिर जो चाइना के जो जवान उन्होंने फिर हमला किया, हमारे आर्मी के जवानों को धकेला और कई सारे जो हमारे जवान हैं वो गालावान नदी में गिर गए। तो ये पूरा जो प्लान है उन्होंने चाइना ने बनाया था। ये फ्रंट पेज पर जो आप जो न्यूज़ है वो देख रहे हैं, PLA प्लान्ड अटैक फॉर एटलीस्ट 2 डेज, यहाँ पर है। ये आप पढ़ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट की है, बस इंटरेस्ट की है, हमारे एग्जाम के उतने काम की नहीं है। वाई नो आर्म्स, आस्क राहुल, क्यों आर्म्स इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमें जो वॉर है ज़्यादा ले नहीं जाना होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर आर्म इस्तेमाल नहीं करते। जब दोकलाम में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था तो वहाँ पर भी केवल हाथ से मतलब पुश किया था हमने, उन्होंने भी वो गलती से कोई बंदूक ना चल जाए ताकि एस्केलेशन बढ़ ना जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपके फ्रंट पेज पर यही जो न्यूज़ है वो थी। हाईकोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन सरफराज बेल प्लिया, ये नहीं है। वायरस का जो ट्रैकर है यहाँ पर बताया जा रहा है कितने केस आए, 7 डेज चेंज, मतलब यहाँ पर सब बातें बताई जा रही हैं। पहले पेज पे आपको बस आपके मन की बातें पढ़नी है और इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए, यहाँ पे अब आते हैं अपने हम जो एडिटोरियल का पेज है वहाँ पर। पहला है एट द हाई टेबल, इंडिया मस्ट अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजिशन एट यूएनएससी एंड बी द वॉइस ऑफ वीकर नेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत जो है वो कमज़ोर देशों का जो प्रतिनिधित्व है वो करे और वैल्यू बेस्ड पोजीशन ले, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड। ऐसा होता नहीं है जनरली। लोग यूएनएससी का मेंबर बनते इसीलिए हैं ताकि अपने जो राष्ट्रहित है उसको पूरा कर सकें, हमारी जो पोजीशन है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में उसको हम मजबूत कर सकें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, इसको पढ़िएगा। जो मेंबरशिप, अच्छा, हमने जो प्लस वाली क्लास है कल की, वहाँ हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो आपका यूएनएससी का पोजिशन है ना उनके बारे में, ठीक है? रुकना ज़रा, लाइट चली गई थी ना, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, इसको पढ़ लेना है। अगला जो आपका आर्टिकल है वो है फ्लीइंग फ्यूल यूजर्स। यहाँ पे जो रेवेन्यू है फ्यूल का, इट कम एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल रिलाइंग इंटायरली ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इन जस्ट 12 straight days, इंडिया का जो स्टेट ओन्ड मार्केट कंपनी है, दे हैव रेज्ड रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल बाई 6.5 and 7.4 a liter रिस्पेक्टिवली। देखो, जब क्रूड ऑयल का प्राइस घटता है तो दाम तो ये लोग घटाते नहीं हैं, मगर जैसे ही हल्का सा बढ़ता है तो ये लोग दाम तुरंत बढ़ा देते हैं। वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब कि 12 दिन में ही जो पेट्रोल का दाम है वो 6.5 रुपये और डीजल का दाम का 7 रुपये बढ़ गया है, ठीक है? आर्टिकल में से ही निकल गए सर,
ठीक है, तो ये वाला इसको पढ़ लेना आप। गलवान पोस्ट स्क्रिप्टेड स्ट्रैटजी, सेम बात यहाँ पर, आपकी जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी यहाँ पर बातें मिलेंगी, इसको पढ़ सकते हैं आप। ये काम देगा आपका जीएस टू अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, म्यूटेशन इन द एज ऑफ कोविड-19, ये भी आपका काम देगा। जीएस टू में हेल्थ का जो टॉपिक है वहाँ पर, तो कोविड-19 के एज में मेडिटेशन ध्यान से क्या क्या फ़ायदे हैं, भले ही वो आपकी मतलब कोविड-19 से मतलब ट्रीट ना कर पाए, मगर मेडिटेशन से आपका जो इम्यूनिटी है वो बढ़ता है, आपको जो मानसिक शांति है वो मिलती है, और जिस तरह से केसेस हो रहे हैं हमारे मानसिक विकार के, वो सब आपको यहाँ पर नहीं आएंगे आपके मन में। अगला जो आपका पेज है वो है ओपिनियन एडिटोरियल का, कैन इंडिया डिकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, क्या हम लोग चाइना में जो हमारा मैनुफैक्चर हम छूट पाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो हमारे अलग अलग लोग हैं, हमारे जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं, उनकी यहाँ पर जो विचार हैं वो रखी गई हैं। विश्वजीत धार, अमितेंदु पलित, इन सब के जो विचार है वो यहाँ पर रखे गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू की तरह है ये, अच्छा लगेगा, पढ़िएगा इसको। ट्रंप्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंटीफाइज इन एन इलेक्शन ईयर, ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्शन आता है तो जो राष्ट्रवाद है वो जाग उठता है सभी कंट्री में, भारत में, अमेरिका में, सभी कंट्री हम देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रवाद आपका जाग उठता है जब यहाँ पर इलेक्शन आता है। तो सेम बात अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, हर कंट्री अपने आप को फर्स्ट रखना चाहता है, हर कंट्री अपने आप का जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना चाहता है। तो इसको पढ़िएगा, ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। हाँ, मगर जो आपका अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं जो भारत से संबंधित हैं वो पढ़ लेना इसमें आपका, इसको देख लेना, क्योंकि इनका जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, नाटो संबंधित पॉलिसी है, वो भारत पर प्रभाव डालती है। तो ये थे आपके द हिंदू के जो मेन मेन आर्टिकल्स एडिटोरियल्स हैं वो, कल तो काफ़ी कम थे, आज ठीक हैं, आज पढ़ने लायक हैं अच्छे अच्छे चलो शुरू करते हैं। बढ़िया, तो ये सब कथा कहानी मेरे बारे में है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है एड सुमंत, यहाँ पर फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल सब यही है, ईमेल आईडी भी यही है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। हमने लॉन्च किया है कोर्स आपके करंट अफेयर के लिए, UPSC जो आपका 2021-2022 है, वहाँ पर ध्यान सुनना, ये आपका जो कोर्स है वहाँ पर प्री और मेंस दोनों का हम पढ़ाएंगे, और आपका जो करंट अफेयर है वो इशू बेस्ड होगा, ना कि डेली करंट अफेयर। डेली वाला आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो होता है ना डेली करंट अफेयर जो आता है द हिंदू का एनालिसिस ऐसा करके, वैसा नहीं है, वो तो यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री में आपको। यहाँ पर हम लोग जो इशू बेस्ड है वो करवाते हैं, सबसे जो हाई प्रायोरिटी एरिया जो नोट्स होते हैं हमारे वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि WHO को हमने डिस्कस किया आज, WHO को सुबह में, फिर आपका जो पीस कीपिंग मिशन है ये डिस्कस किया हमने, और कई सारी बातें हमने डिस्कस करी फंडिंग वगैरह के बारे में, जो भी चीज़ें हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब बातें डिस्कस करी हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है अनअकैडमी तो इसको इनरोल कर लीजिए कोर्स को, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हैं यहाँ पर इनरोल SN Live कोड यूज़ करके, इस कोड को यूज़ कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, फिर आप इस कोड को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोड है यूज़ करने से आपको मिलता है डिस्काउंट 10% का, डिस्काउंट मिलने के साथ साथ आप जो मेरे ग्रुप उसमें भी ऐड हो पाते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, और आपकी धुआंधार पढ़ाई जो है वो यहाँ पर शुरू हो पाती है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रियल टेस्ट सीरीज, नहीं बस MCQ दे दिए, टेस्ट सीरीज चलती है यहाँ पर अनअकैडमी पर, जो लोग हैं उनको पता है कैसे चलती है। आपको जो मेरा ग्रुप उसका मिलेगा एक्सेस, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं और जो बातें डिस्कस करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बातें हुई, रेफरल कोड SN Live ये यूज़ करना है आपको, डिस्काउंट मिलता है 10% प्लस आपको ग्रुप का एक्सेस मिलता है, बातें हो गई। आप कर सकते हैं पे EMI के जरिए भी, आपको कर सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड से भी आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं, EMI के जरिए ले सकते हैं, बस यहाँ पर कोड अप्लाई करना है, आपका डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर जो कॉइन्स है ना इसको भी आप रिडीम कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आपको ज्वाइन करने में, मुझे यहाँ पर मेल कीजिएगा इस ईमेल आईडी पर कि हाँ पेमेंट फेल हो रहा है या फिर कोई समस्या हो रही, क्या दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कुछ क्लियर करना हो, मुझे यहाँ पर मेल कीजिए। मेरा पहला जो टॉपिक है वो है अमेरी आइस सेल्फ के बारे में, इस पर हमने सवाल कल आपको टेलीग्राम
जो ग्रुप है उसमें दिया था, अगर उसमें जुड़े हुए हैं आप तो आपको पता होगा, मेजर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ अमेरी आइस शेल्फ NCPOR स्टडीज सेज। तो हम लोग यहाँ पर दोनों बातें पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे अमेरी के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे NCPOR के बारे में। दोनों हम लोग पढ़ते हैं सवालों के जरिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए पहला आपका सवाल है, अमेरी आइस शेल्फ जो अक्सर खबरों में देखा जाता है वो किस क्षेत्र में स्थित है? कनाडा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, रूसी आर्कटिक। आर्कटिक ऊपर है नॉर्दर्न पोल की तरफ और अंटार्कटिका नीचे है साउदर्न पोल की तरफ, है ना? चलिए सबने उम्मीद है कि लाइक कर दिया होगा। सुमन तिवारी, अभिषेक, अर्पिता, दिलीप, लाबा, ठीक है सर, डेली क्लास इतने टाइम ही रखिए, ठीक है इतने टाइम ही रखते हैं। ठीक है, बढ़िया। ये जो आपका अमेरी आइस शेल्फ है ये आपका है अंटार्कटिका में, बी आपका सही आंसर है। क्या है सर? ये जो अंटार्कटिका है इसमें जो NCPOR है ना, NCPOR हमारा भारतीय संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। जो पोल हमारे हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और जो ओशियन का जो रिसर्च है वो करता है, इसका ये नेशनल सेंटर है। इसने अभी प्रेडिक्ट किया था कि जो आपका अमेरी आइस शेल्फ है इसके साइज में 24% की जो बढ़ोतरी हो जाएगी 2021 तक, और 2026 तक इसमें 24% की बढ़ोतरी है हमको दोबारा देखने को मिलेगा 2016 के लेवल से, समझ गए? इन्होंने किया क्या कि सैटेलाइट बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो किया है पिछले 16 सालों का, और इन्होंने जो प्रेडिक्शन है वो किया है। इनके स्टडी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ओशियन पर और जो पोल हमारे हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और जो एटमॉस्फेरिक फोर्सिंग है इसका हम इसको हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये जो आपका अमेरी आइस शेल्फ है ये एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन है, कहाँ पर? जो बसा हुआ है अंटार्कटिका का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर। अगला मैंने क्या बताया था सवाल, NCPOR के बारे में हमने पढ़ लिया, अमेरी के बारे में, अब हम पढ़ते हैं NCPOR के बारे में। क्या ये एक भारतीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बसा हुआ है मागदान ओब्लास्ट रशियन आर्कटिक में? NCPOR के बारे में सवाल पूछा गया है आपसे। दूसरा, क्या ये एक ऑटोनोमस संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत? क्या आंसर है जी? वन एंड टू में से कौन सा आपका सही ढंग से बताना है? बिल्कुल, मैत्री भारत को कंट्रोल करता है, एकदम सही आकाश ठाकुर जी, अरे वाह क्या गजब, बढ़िया। कौन सी भाषा लिख रहे हैं जी? की बाबू जी पासीनिनी बंगाली है क्या है? ओनली स्टूडेंट गोवा, बिल्कुल गोवा में है, भी मैंने बताया ये वाला NCPOR है वो गोवा में है। देखो यहाँ पर ये गोवा में है, अरे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग, बहुत अच्छे, ठीक है ना? तो ये गोवा में है, आपका पहला सन्नाटा हो गया, पहला सन्नाटा हो गया। दूसरा कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नहीं है, ये पोल है ओशियन वाला है ना, ये पोल है ओशियन वाला है ना, तो कौन सा मंत्रालय होगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आपका दूसरा भी गलत है। क्या आंसर हो गया जी? डी, नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, आसमी है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आपका वन एंड टू दोनों गलत है, डी आपका जो है वो सही जवाब है। ध्यान सुनना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान है कहां पर बसा हुआ? गोवा का, कहां का सर? गोवा का। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ
ओशन डेवलपमेंट मंत्रालय है अर्थ साइंस का, ये करता क्या है, यही NCPOR है जो प्रशासित करता है भारतीय अंटार्कटिक प्रोग्राम को। किसको सर? भारतीय अंटार्कटिक प्रोग्राम को। यूपीएससी पहले आइस क्यूब के बारे में पूछ चुका है, पूछ चुका है कि नहीं, है ना, शायद 2015 या 2016 का प्रीलिम्स में पूछा था। तो यही जो आपका NCPOR है वो गवर्नमेंट का जो अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है भारतीय और मैत्री, जैसे कि जो आकाश ने बताया ना अभी कि ये भारतीय और मैत्री को ये मेंटेन करता है, ये वहाँ पर रन करता है। ये जो NCPOR कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर वाले लेबोरेटरी है जहाँ पर हम रिसर्च वगैरह करते हैं, और ये एक नेशनल अंटार्कटिक डाटा सेंटर बना रहा है और एक एक पोलर म्यूजियम बना रहा है। ठीक है, ये हिमाद्री को ऑपरेट करता है, और जो इंड आर्क है, याद आया, आइस क्यूब नहीं था, ये इंड आर्क था, इंड ARC था, जो अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड है ये वाला, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो इंड आर्क है इसको भी ये ऑपरेट करता है, कहां पर, ये नॉर्वे में है। बढ़िया, चलिए अगला सवाल हमारा है G7 के बारे में। हमने आज अपने प्लस वाली क्लास में G7 को भी डिस्कस किया है। क्या G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल संविधान और अ फिक्स हेडक्वार्टर? दूसरा, डिसीजंस टेकन बाय द लीडर ड्यूरिंग एनुअल समिट आर नॉट बाइंडिंग? 1 और 2 में से कौन सा सही है, बताना मुझे ध्यान से, 1 और 2 में से कौन सा आपका सही है, जल्दी से बताओ। ठीक है, 1 और 2 में से कौन सा आपका सही है, बताइएगा जल्दी से। दोनों बातें यहां पर से मैंने बताया था ना कि G7 का कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। ये जो OECD है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पर ये पड़ा रहता है। अब पहला गलत हो गया, सॉरी पहला सही हो गया, इसके पास कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग है, हमने डिसीजन ले तो लिया सबकी सहमति से, मगर सब पर बाइंडिंग नहीं होगा। जो मन, जिस कंट्री का मन करे वो फॉलो कर सकता है, जिसका मन ना करे उसको फॉलो ना करे। तो यहाँ पर दूसरा सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट हो गया यहाँ पे। G7 के बारे में ध्यान सुनना, G7 का जो पिछला समिट हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, जहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे हैं उनको बुलाया गया था एज अ स्पेशल गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो US प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि हम G7 को G11 बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम भारत, रशिया, साउथ कोरिया और जो ऑस्ट्रेलिया है इसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं G7 में, ताकि आज की जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, होने वाला है, अब हो जाए तब ना, अभी तो बात चल रही है बस। चलो, ये जो पूरा आपको जानकारी दी गई है वो दी गई है आपको G7 के बारे में। इसमें 7 कंट्री हैं, कनाडा, USA, ठीक है ना, फिर UK हो गया, जर्मनी, फ्रांस हो गया, इटली और जापान हो गया। दोनों को आप पेयर पेयर में याद रखिए, क्या कीजिए सर, दोनों को आप पेयर पेयर में याद रखिए। ये इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब कि जो G7 है इसका मेंबर कौन होगा, कंट्री ही होंगे, सदस्य देश होंगे। ठीक है, अगला देखो, इसको बनाया गया था 1975 में जो टॉप इकोनॉमी है उनके द्वारा। इसमें सारे कंट्री जो है वो विकसित हैं, सारे जो है वो विकसित देश हैं, समझ गए। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो दुनिया के जो इश्यूज है उनको डिस्कस करता है। इसका कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, डिसीजन नॉन बाइंडिंग होता है, ये सालाना मिलते हैं, इनकी गैदरिंग इनफॉर्मल होती है, समझ गए। जो नेशनल समिट, जैसे कि जो होता है ना एनुअल समिट, उसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो इन्हीं 7 में से एक होगा, और ये बारी बारी से बदलता है, समझ गए, ये चेंज होता है। कैनेडा ने ज्वाइन किया था 1976 में, 75 में ये ग्रुप बना था, 76 में कैनेडा ने ज्वाइन किया था, समझ गए।
ईयू भी इनकी जो मीटिंग है उसको अटेंड करता है 1977 से। G7 को हम पहले कहते थे G8, मगर रशिया को इसमें से हटा दिया गया था क्योंकि उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था जो कि यूक्रेन का टेरिटरी था। चलो अगला सवाल है, अभी जो LAC है और LOC है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों न्यूज़ में रहा है, तो बताना है आपको इसके बारे में, क्या LAC केवल एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट एग्रीड अपॉन बाय द टू कंट्री, नाइदर डिलिनिएटेड ऑन अ मैप नॉर डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड, क्या बात सही है, क्या ये LAC के बारे में बात सही है वाला, LOC क्या LOC डिलिनेटेड है ऑन मैप, मतलब क्या LOC हमको मैप पर दिखता है, क्या इसको साइन किया है दोनों आर्मी ने, क्या इसको इंटरनेशनल सेंसिटी प्राप्त है, क्या ये एक लीगल एग्रीमेंट है। सिंपल सा सवाल है आपका LOC और LAC के बारे में, क्या आंसर है जी LAC के बारे में, क्या आंसर है LOC के बारे में, क्या आंसर बताएं जल्दी से। ठीक है बढ़िया, वन टू में से कौन सा आपका सही है जल्दी बताइए मुझे, वन एंड टू में से कौन सा आपका सही है, ध्यान से बताना, ध्यान से देखो दोनों के दोनों बातें यहां पर सही हैं। LAC तब बना था जब चाइना ने भारत पर हमला किया था और वो कुछ कदम फिर पीछे हट गया था, जब चाइना ने मतलब कि सीज फायर कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हमने हमारा काम हो गया है, हमने जितना कब्जा लिया है, फिर वो पीछे हट गया था, तो वो जो लाइन खिंच गई उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, इस पर दोनों में से किसी भी कंट्री एग्री नहीं करता है, क्योंकि दोनों कंट्री बोलता कि नहीं ये लाइन है, वो बोलता कि नहीं ये लाइन है, तो जब एग्री ही नहीं करते तो दोनों ने साइन भी नहीं किया और दोनों ने इसको मैप पर दिखाया ही नहीं, तो इसको मैप पर ना तो दिखाया गया है ना एक्चुअल जमीन पर डिमार्केट किया गया है। इसी कारण से कभी चीन की आर्मी हमारे यहाँ घुसाती है, कभी हमारे यहाँ वाले उसके इलाके में जाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं जनरली, हम लोग अपने आप मेरा इलाका है, हमारा इलाका है ना। तो आपका यहाँ पर LAC जो सही है, LAC केवल एक कॉन्सेप्ट है, मगर LOC जो है वो एक्चुअल में है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको एक्चुअली ग्राउंड पर बनाया गया है, जालियाँ वालियाँ लगाई गई हैं, उसको पूरा सिक्योर कर दिया गया है, समझ गए। तो इसको दोनों कंट्री ने माना है, दोनों कंट्री डिलिनेट किया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय सेंसिटी प्राप्त है। ये जो हमारा LOC है ना, ये अंतरिक्ष से चमकता हुआ दिखता है, पता है आपको, क्योंकि हमने इतने साल उस पर फ्लडिंग कर रखी है, जो है ना लाइट फ्लड लाइट, हमारा घुसपैठ कर लेते हैं ना ये पाकिस्तान वाले, घुस जाते हैं तार के बीच में से, तो वहां पर जो हमारा देखो ध्यान से सुनना, ये काम देगा आपको GS3 में, हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव एक दिखाता हूं मैं आपको, हमारा जो कंप्रिहेंसिव वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वो है बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर प्रोटेक्शन का, उसका मतलब कि जो सिक्योरिटी है बॉर्डर सिक्योरिटी की, उसकी बातें गिग मैंने पढ़ा दिया है। अच्छा हाँ ध्यान सुनना, हमने आपको बताया था UAPA के बारे में और NIA के बारे में, यहाँ मैंने जो अमेंडमेंट वो दे रखा है, इसको पढ़ सकते हैं आप, जो है ना अमेंडमेंट दोनों वाला, देखो ये अमेंडमेंट है UAPA वाला, याद है कहाँ मैंने प्लस में मैंने कहा था क्या, ये प्लस वाला ये अमेंडमेंट है UAPA का, ये आपका अमेंडमेंट है NIA वाला जिस पर सवाल दिया था 19 वाले मेंस में। GS3 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था मेरे नोट्स से, देखो ये जो नोट्स है ये मैंने बनाया था मेंस के लिए अपने एग्जाम के लिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आया था UPSC मेंस 2019 वाले में, GS3 वाले में, समझे, तो समझ जाओ फिर। चलो हमको देखना था हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाला है ना, वो पांच सुरक्षा वाला जो है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको सारा, चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिसी क्या हैं, मिनरल पॉलिसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी कहाँ गया, गगनयान चंद्रयान, देखो कैसे नोट्स बनाते हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ बस आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। देखो चंद्रयान 2
टू मैप लोकेशन एंड एबंडेंस ऑफ लूनर वाटर। इतना शॉर्ट में चैलेंजेस क्या हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है हमको, रोवर को डिप्लॉय करना है, नेविगेट करना है लंबे दूरी तक के। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में, फ्रेज में नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। जीरो बजट नेवल फार्मिंग कहाँ गया यार, हाँ अब आ गए, नक्सलिज्म आ गया, नक्सलिज्म के बाद आपस्पा आ गया, आपस्पा साइबर सिक्योरिटी आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए, एफएटीएफ ने डिस्कस कर लिया है, स्पेस, ब्लैक मनी, टैक्स रिफॉर्म, माइग्रेशन टू आसाम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, हाँ हाँ वो पीछे तो था, बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ है यहाँ पे। देखो हमने किया क्या है कि हमने CIBMS बनाया है, क्या किया है सर, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है। यहाँ पर हम लोग सर्वेलांस भी करेंगे, हम लोग कम्युनिकेट भी करेंगे, और हमारे पास रहेगा एक कमांड एंड कंट्रोल। यहाँ पर जो लेज़र वगैरह है ना, उससे हम अपने बॉर्डर को गार्ड करेंगे। मान लो कि कोई दलदल वाला एरिया है, वहाँ तो हमारे लोग जा नहीं सकते पेट्रोलिंग करने, तो उन सब एरिया में वहाँ पर करेंगे क्या कि जो लेज़र है ना उससे गार्ड करेंगे। मतलब कि कोई अगर मूवमेंट कर रहा हो, कोई दलदल में से आ रहा हो चल करके, तो वहाँ पर वो पकड़ा जाएगा वो लेज़र के जो द्वारा कि हाँ देखो वहाँ पर मूवमेंट हो रही है, धरो उसको ऐसे करके। तो ये वहाँ पर हम लोग जो अपना है ना कमांड क्रॉस, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होगा। और अगर मशीन फेल होता तो वहाँ पर हमारे इंसान भी होंगे, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे होंगे, समझ गए। तो ये आपका है CIBMS, इस पर सवाल पूछ सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो थर्मल इमेजिंग है वो करेंगे, समझ गए। लेजर बैरियर, अंडरग्राउंड मॉनिटर सेंसर्स, ये सभी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस वाले में, ठीक है। फिर इस बात पढ़ा दूंगा मैं, कोस्ट सिक्योरिटी वाला ये हो गया। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर, देखो भारत का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उनमें क्या क्या इश्यूज हैं, वो इशू हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि अभी तक हमारे पास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बस एक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा नहीं है भारत चाइना का। सेंट्रल जोन हमारे यहाँ तीन जोन है भारत चाइना बॉर्डर के, पहला आपका है ईस्टर्न जोन, दूसरा आपका है मिडिल जोन, तीसरा आपका है ये क्या बोलते हैं ये वाला, देखो ध्यान से इस तरह से है ना जो मैप है वो इस तरह से है, ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका सेंट्रल हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया, ठीक है। आपका दोनों यहाँ पर सही है, क्या आंसर हो गया जी, सी आपका जो है वो सही है। चलो ये मैंने पढ़ा ही दिया आपको, ये पढ़ा दिया है। अगला सवाल आपका है हमारा जो रिसर्च स्टेशन है ना उसके बारे में, अभी मैंने बताया क्या आमेरी के बारे में, फिर मैंने बताया NCPOR के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ आपके हमारे जो स्टेशन है ना उनके बारे में, भारती, हिमाद्री, इंडिया आर्क, कहाँ कहाँ पे है, आर्कटिक में है, अंटार्कटिका में, इंडियन ओशन, बताना जरा कौन सा सही मैच है, ठीक है। सर LAC और LOC में कंफ्यूज हो जाती हूँ। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चाइना के बीच में है, LOC ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। ठीक है बढ़िया, समझ गए नोट्स कैसे बनाना, समझ गए ना, एकदम आपको छोटे छोटे वर्ड्स में नोट्स बनाने हैं ताकि उसको हम फटाक से पढ़ सकें। और मैंने बताया था आपको कि लक्ष्मीकांत का और स्पेक्ट्रम का नोट्स नहीं बनाना है, लक्ष्मीकांत का स्पेक्ट्रम का नोट्स नहीं बनाना है आपको, केवल करंट अफेयर का नोट्स बनाना है। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम आपको बार बार पढ़ना है, उसी में आप अंडरलाइन हाईलाइट जो करना है कर लीजिए, आपको वही किताब बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों किताब खुद में नोट्स है, ये दोनों किताब खुद में नोट्स है। अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पूरा किताब छप जाएगा ना कॉपी में आपके, नोट्स में आपका ये पूरा किताब छप जाएगा, इसीलिए इसका हम नोट्स नहीं बनाते, ठीक है बढ़िया। क्या आंसर है इसका जी, हिमाद्री है, इंडिया आर्क है, भारती है, मैत्री है। मैत्री कहां पे है,
मैत्री आपका अंटार्कटिका में है, ध्यान सुनना। जो आपका हिमाद्री और इंडिया आर्क है ये दोनों है आर्कटिक में, एच आई हाई कहते हैं ना हाई, तो एच आई ये आपका हो गया आर्कटिक, ठीक है। जो बी एम है, बी एम बम, ये आपका हो गया अंटार्कटिक, समझ गए। बॉम है जो भारी है, भारी है तो नीचे होगा आपका अंटार्कटिक में है, ठीक है। हाई फाइव ऊपर से करते हैं ना हाई फाइव ऊपर से, तो आपका ये ऊपर हो गया, आपका हो गया आर्कटिक में, आर्कटिक ऊपर है ना। तो एच आई ये हो गया आर्कटिक में, हाई ऊपर में, आपका जो आर्कटिक है ना वहां पर। जो आपका बी एम है भारी है बॉम, ये आपका नीचे लटक गया अंटार्कटिक में, ठीक है। इंडिया आर्क जो है वो भारत का पहला अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक रीजन में, जिसको डिप्लॉय किया गया 2014 में, ठीक है ना, नॉर्वे में इसको डिप्लॉय किया गया था। ये आर्कटिक के क्लाइमेट को स्टडी करता है और इसका जो इन्फ्लुएंस है मानसून पर उसको पढ़ते हैं हम लोग, उसको स्टडी करते हैं। जो आपका इंडिया आर्क है उसमें जो आर्कटिक का जो इन्फ्लुएंस है मानसून पर वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया बात, ठीक है ना। चलिए, आप में से जो लोग मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, आप मेरी पिछली क्लासेस सब देख डालिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम लोग मिलेंगे कल इसी समय अपने अगली क्लास में, 20 जून का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। कल बातें होंगी कुछ कच्छ की, कुछ आपके जो नए स्कीम्स हैं, कुछ नए प्रोग्राम हैं उनकी, सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग कल क्लास में दोबारा आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।